ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। छावनी परिषद चक्राता भले ही सफाई पर बड़े बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन धरातल पर यह सच कोसों दूर दिखता है। वहीं चक्राता छावनी परिषद द्वारा सफाई पर जागरूकता अभियान, सफाई अभियान के माध्यम से साफ सफाई होने के दावे करता नजर जरूर आता है, परंतु सच्चाई तो कुछ और ही बयां करती है। जबकि छावनी परिषद द्वारा लाखों रुपए हर महीने सफाई व्यवस्था पर पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, सफाई अभियान के लिए कई स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक व रैलियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। बावजूद भी चक्राता छावनी में सफाई सिर्फ प्रचार में सिमट कर रह गई है और इसकी वानगी देखने को मिली है छावनी MES लाइन में बने स्ट्रेचिंग ग्राउंड में, जो बताने के लिए काफी है छावनी परिसर में कूड़े का ये अंबार। वहीं चक्राता शहर व इसके आसपास के छावनी क्षेत्र का समस्त कूड़ा इसी ग्राउंड में फेंका जाता है, जबकि ग्राउंड में अंबार लगे कूड़े को ना तो नष्ट करने का कोई साधन है, न ही किसी प्रकार का रिसाइकिल करने का साधन। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि लाखों की लागत से बने ये कूड़े घर में चारों तरफ कूड़ा फैला है, जो कई सारी बीमारियों को दस्तक देने जैसा प्रतीत होता है। आलम यह है कि यहाँ से कूड़े के निस्तारण नहीं होता है तो यहाँ के लोगों को बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता। अब देखना होगा कि चक्राता छावनी के उच्च अधिकारी यहाँ कूड़े के लगे अंबार पर क्या पहल करते भी हैं या नहीं। जबकि छावनी परिषद चक्राता पूर्व में अपने फरमान जारी कर चुका है कि सफाई व्यवस्था के लिए लोगों को अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा। चक्राता से श्रमिक मंत्र के लिए संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट।